Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET 2023, today we will discuss problems on ages. Ages एक important topic है और ages पे based CSET के अंदर question exam में आई जाते हैं. इस बार 22 में भी आया हुआ था, है ना? 22 में भी exam में आया हुआ था question, हर बार आता है exam question में. अब बात आती है कि ages के अंदर questions कैसे आते हैं. अब एजेस के अंदर मेनली जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ये रहता है कि हाँ जी, कुछ पर्टिकुलर जो हमारी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से पहले बाद में, मेन क्या दो पॉइंट है, बिफोर एंड आफ्टर, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना. और उसके अंदर से आपके पास जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं एवरेज पे बेस्ड और रेशियो पे बेस्ड, एवरेज और रेशियो पे. तो अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है तो एजेस का क्वेश्चन तो आप बड़ा इजीली कर सकते हो. ओके, तो अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में. सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सो दैट कि कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी भी आए आपको और साथ साथ में आपका जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएं. ओके, तो अभी देखिए क्या है क्वेश्चन. यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या है आपके पास में. यस, द क्वेश्चन इज राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक. तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब बात हम करते हैं एजेस की तो बेटा आफ्टर, बिफोर, हैंस, ठीक है ना, इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखने के मिलते हैं. जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आफ्टर, अगर बात आती आफ्टर की तो प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे. देखिए अब जैसे यही क्वेश्चन है, कहते राजीव की एज, अगर मैं कहूं कि राजीव की प्रेजेंट एज कितनी है, हाँ जी, अगर हम कहते हैं कि राजीव की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, ओके, मैंने कहा एक्स ईयर्स है, तो 15 ईयर्स के बाद में कितनी होगी. देखो अगर मैं कहूं कि अगले साल कितनी होगी तो प्लस वन हो गया, और इसी तरह से आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 15 ऐड हो जाएगा. बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है. दैट मीन्स कि आफ्टर, जब भी आपके पास में पॉइंट आता है बेटा क्या, आफ्टर, तो उस केस में क्या करोगे, हाँ जी, उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी एक्स प्लस 15. सभी क्वेश्चन में इतने डिटेल में नहीं करेंगे, एक बार समझ लीजिए उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. ओके, ये देखिए इतने साल का हो जाएगा वो. अब उसने क्या कहा, हाँ जी, विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक. अब यहाँ पे अगर अपने पास में वर्ड आ रहा है बैक, बिफोर, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है, पहले की बात कर रहे, दैट मींस कि माइनस करेंगे. तो अगर मैं कहूं कि बिफोर 5 ईयर्स, अभी कितनी है, एक्स ईयर्स है, बिफोर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, दिस विल बी एक्स माइनस 5 ईयर्स. ओके, पहले तो बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ओके, हमने रीड कर लिया, उसके बाद में उसको राइट डाउन करेंगे ना इक्वेशन की फॉर्म में, कैसे करोगे. अब देखो ध्यान से पढ़ेंगे इसको एक बार दोबारा से. क्या कहा है उसने, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स, हमारे पास 15 ईयर्स वाली ये है, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स विल बी इक्वल टू, इसका मतलब यही हुआ ना, विल बी इक्वल टू, ओके, 5 ईयर्स बैक. तो 5 ईयर्स बैक अभी हमने निकाला कितना है, ये 5 टाइम्स है. टाइम्स जब भी वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स कि क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाई. ओके, दैट मीन्स कि 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, 5 ईयर्स बैक, एक्स माइनस 5, बस इतना सा ही है. अब उसके बाद सॉल्व तो करना आता ही आप लोगों को. दिस विल बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25. ओके, अगर हम एक्स को एक साइड लेके जाते हैं, मीन्स कि वेरिएबल वाले जो कंसेप्ट है हमारे पास पॉइंट, उनको एक साइड ले जाते हैं, कितना हो गया 4x, ये एक साइड आ गया, कितना आ गया आपके पास में 40. दैट मीन्स वट, एक्स इज इक्वल टू 10. ओके, और एक्स हमने अभी क्या कंसिडर किया था, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव कितना आ गया आपके पास में, 10. वेरी सिंपल. कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी लगी आपको, नहीं. तो अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप कर लेते हो तो उसके बाद बेटा एजेस का तो आपका ये लगा लो क्वेश्चन पक्का है, आप अच्छे से कर लोगे एग्जाम के अंदर, कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए. अभी देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन है आपके पास में रेशियो पे बेस्ड. यस, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बड़ा इजीली आप कर लोगे. क्या है,
एट प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स अभी की बात करें, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3. दो पर्सन है, वन इज अरुण एंड द सेकेंड इज दीपक एंड द रेशियो इज 4:3. After six years, Arun's age will be 26 years. क्या कह रहा है कि अरुण की एज कितनी हो जाएगी? 26 years हो जाएगी. भाई जब after 6 years कितनी हो जाएगी? 26 years होगी. That means क्या कि अभी कितनी है? अभी कितनी है? देख सिंपल सा, आपने सिंपल जो आप लैंग्वेज यूज करते हो सिंपल, उसके अंदर सोचो कि अभी अगर आपके पास में, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हाँ जी आफ्टर 5 years मैं 45 की हो जाऊंगी, तो अभी मैं कितनी की हूँ? ठीक है, तो अभी क्या कहेंगे आप कि हाँ जी 40 हो गया. आप कहोगे कि नहीं, अभी अगर मान लीजिए 10 years के बाद में मैं 40 की होती हूँ, तो अभी कितने की होगी? 10 की होगी. ठीक है, अगर 10 years के बाद में मैं 20 की होंगी, तो अभी कितने की होगी? 10 की होगी. मीन्स क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. तो वही कह रहा है कि आफ्टर 6 years 26 years का हो जाएगा. दैट मीन्स कि अभी प्रेजेंट कितने का? 20 का. ओके, ये वाला पॉइंट समझ आ गया? क्या कह रहा है? 20 का. और ये रेशियो अपने पास में किसकी थी? प्रेजेंट की. दैट मीन्स व्हाट? कि ये जो है 4 अरुण है ना, तो ये कितना है? 20 years. अब यहाँ पे क्या 4 से 20, दैट मीन्स कि 5 times है. तो सेम ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? ये दिस 3 की वैल्यू कितनी हो गया आपके पास में? 3 into 5, दैट मींस कि 15 years. ओके, दैट मींस कि दीपक की एज कितनी है? 15 years है. सिंपल. अब यहाँ पे क्या करना था आपको? दीपक की एज कितनी है? कितना आ गया आपके पास में? 15 years. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15. बताइए, कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल था. तो जस्ट बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज नहीं होना. अगर कंफ्यूजन होती है किसी स्टूडेंट को, तो उस केस के अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लो, रियल लाइफ के अंदर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, अब डायरेक्टली करूंगी मैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. ओके, क्या है? 10 years एगो, एगो मीन्स बिफोर, शिप्रा वाज थ्राइस एज ओल्ड एज शिवी वाज, बट आफ्टर 10 years हैंस सी विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज. फाइंड शिवीज प्रेजेंट एज, शिवी की प्रेजेंट एज बताइए. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 years एगो शिप्रा, देर आर 2 persons, वन इज शिप्रा एंड सेकेंड वन इज शिवी. 10 years एगो शिप्रा इज थ्राइस, थ्राइस दैट मीन्स 3. इफ शिवी इज ऑफ 1 year देन शी इज ऑफ 3. ओके, या आप कह सकते हो एक्स है, तो वो कितना हो गया? 3x हो गया. ओके, तो अगर हम इसको रेशियो के अंदर देखें, तो कितनी है दोनों की? 3:1. कब है ये? 10 years ago. ओके, बट 10 years hence, hence means after, she will be only twice as old. Means कि 10 years के बाद में क्या होगी? सिर्फ twice है. That means कि रेशियो क्या बन गया हमारे पास में ये? कब? 10 years hence. ओके, तो बेटा यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 10 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद में रेशियो ही होगी. दैट मींस कि टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 20 इयर्स का हो गया. टोटल डिफरेंस इज ऑफ 20 इयर्स. ओके, दैट मींस कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच में डिफरेंस है 20 इयर्स का. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज शी विल बी ओनली ट्वाइस ऑफ द ओल्ड, फाइंड शी इज प्रेजेंट एज. तो जब भी आपके पास में इस तरह से रेशियोज गिवन होती है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू ऑफ दीज 4. ओके, तो अभी पहले ये कर लेते हैं, शिवीज एज कब की फाइंड आउट कर रहे थे? अब इस वाली लाइन के अंदर ये कौन सा है? 10 इयर्स एगो है, तो हम क्या करेंगे? 10 इयर्स एगो. कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए यहां पे ये क्या है बेटा? 1 है, 1 को हमने एज इट इज लिखना है. ओके, उसके बाद में कितने इयर्स का गैप है? 20 इयर्स का गैप है, उसको कर दिया. मल्टीप्लाई बाय जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 - 1, दैट मींस कि 1 का डिफरेंस है. डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, दैट मींस कि 2 into 1 = 1 - 2, दैट मींस कि 1 कितना हो गया? 20 इयर्स. क्लियर कि भाई 10 साल पहले
दस साल पहले शिवी की एज कितनी थी? 20 इयर्स की थी। तो अभी कितनी होगी प्रेजेंट में? हाँ जी, प्रेजेंट में कितनी होगी भाई? 10 साल पहले जब वो 20 साल का था तो अभी कितने का हो गया? 10 साल और एज बढ़ गई, दैट मीन्स की 30 इयर्स का। सो आंसर विल बी 30 इयर्स। ओके, 30 इयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो एक बार बेसिक मेथड से देख लेते हैं। क्या है? 10 इयर्स एगो शिप्रा वाज थ्राइस एज ओल्ड एज शिवी, यही का है। अगर हम 10 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं कंसीडर करूं एक्स के मेथड से, तो 10 इयर्स एगो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो शिवी है उसकी एज है एक्स, तो शिप्रा की कितनी हो गई? यस, उसने क्या कहा? उससे 3 गुना है, दैट मीन्स की 3x। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि शिवी वाज 10 इयर्स हैंड शी विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड। अब कह रहा है कि जो शिप्रा है वो 10 साल बाद ट्वाइस रह जाएगी। अब देखो ये जो हमारे पास में है ये कब है? 10 साल पहले। प्रेजेंट की बात करेंगे, अगर हम बात करते प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर बेटा ये कितनी होगी? x प्लस 10, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 10। अब उसने क्या कहा? After 10 years, that means कि और 10 years इसके अंदर add कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया x plus 20, और ये क्या हो गया आपके पास में? 3x plus 20। Point is clear? देखो, अगर मैं कहती हूँ ये है 10 years before, ठीक है, अगर हम बात करते बेटा present की, तो present में कितना हो गया? x plus 10 and this is 3x plus 10। और यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 इयर्स हैंस, दैट मीन्स कि 10 इयर्स हैंस की अगर हम बात करें तो फिर कितना हो जाएगा? 10 और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते, बिकॉज उसने पहले 10 इयर्स की कह रहा, बाद में हैंस कह रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना पूरा 20 इयर्स का गैप है। हाँ जी, पूरा 20 इयर्स का गैप है। तो अभी उसने क्या कहा है कि शी विल बी ओनली ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कि डबल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शिप्रा की एज कितनी बेटे? 3x प्लस 20। शिवी की कितनी है? x प्लस 20। और ये क्या कह रहा है? ये इससे क्या है? ट्वाइस है एक तरह से, ठीक है। और यू कैन से 3x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 40। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे? हाँ जी, ये हो गया बेटा 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? दिस विल बी 20। दैट मीन्स कि बिफोर 10 इयर्स क्या था वो? 20 का था। प्रेजेंट कितना है? x प्लस 10, दैट मीन्स कि प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। सिंपल, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, दोनों मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया। जो मेथड आपको बेटर लगता है, जिससे आप लोगों को लगता है कि मेरे से गलती नहीं होगी, एक्यूरेटली आप कर पाते हो, उस मेथड को चूज कर लीजिए। ओके, यस। अभी और भी जैसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसके लिए भी क्या है कि आप वो मेथड चूज करिए जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? क्वेश्चन आपके पास में डाटा सफिशियंसी का। क्या है क्वेश्चन? रवि की प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज के लिए क्या क्या है आपके पास? गिवन स्टेटमेंट, द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज हाफ दैट ऑफ हिज फादर। कह रहे कि रवि की प्रेजेंट एज अपने फादर से हाफ है। दैट मींस कि अगर रवि 1 है तो फादर 2 है, दोनों की रेशियो। सिंपल सा इतना सा पॉइंट गिवन है। तो अब ये बताओ, क्या मैं इससे फाइंड आउट कर सकती हूँ कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? अब क्या पता, मान लीजिए फादर की प्रेजेंट एज है 40, तो रवि कितना हो गया? 20। फादर की प्रेजेंट एज है 60, तो रवि कितना हो गया आपके पास में? 30। यही कहा है उसने, बट वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू। आगे दूसरा है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ रवीज एज टू दैट ऑफ फादर्स एज विल बी 6:11। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6:11 हो जाएगी। कब? आफ्टर 5 ईयर्स, मीन्स 5 ईयर्स के गैप के बाद में। ओके, अब जब मेरे पास में गिवन है, क्या फर्स्ट रेशियो मेरे पास में गिवन है, गैप गिवन है, और सेकंड रेशियो गिवन है। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, दैट मींस कि नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, तो दैट मींस व्हाट, कि इन दोनों की हेल्प से हम अब रवि की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ गया आपके पास में आंसर, कि फर्स्ट और सेकंड इज ओनली सफिशिएंट टू गिव द
आंसर. ओके, एक बार थर्ड को भी चेक कर लेते. थर्ड क्या, रवि इज 5 ईयर्स यंगर देन हिज ब्रदर. रवि अपने ब्रदर से 5 साल छोटा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रदर का तो कोई लिंक ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाली तो एक तरह से इरेलीवेंट स्टेटमेंट होगी है. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर. ओके, क्लियर है? तो अभी यहाँ पे चलो एक मिनट फाइंड आउट भी करके बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे. तो अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि अगर आपके पास में रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा, न्यू रेशियो गिवन है और दोनों का डिफरेंस गिवन है, इन दैट केस यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन दिस 4 रेशियोज. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, प्रेजेंट एज. ठीक है, तो प्रेजेंट की रेशियो क्या थी रवि के अंदर, ये था. तो रवि की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी यहाँ से, दिस विल बी 1 इंटू डिफरेंस ऑफ द ईयर इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू एवरेज, सॉरी न्यू रेशियो, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, दैट मीन्स ही इज ऑफ 25 ईयर्स. ओके, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फादर कितना हो गया, 50 ईयर्स. सिंपल, यस. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. इफ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट. अभी जो ये वाली जो सिचुएशन है, इस तरह के क्वेश्चंस बेटा रिपीटेडली आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आ जाते हैं. क्या है यहाँ पे अपने पास में हो सकता है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में एज ओल्ड एज भी हो सकता है, यहाँ पे ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सन की एज हम कहें कि भाई एक्स ईयर्स है और वो क्या कहा बात कर रहा है, बर्थ की बात कर रहा है. दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट बर्थ टाइम मीन्स क्या हो गया, बिफोर एक्स ईयर्स, बिफोर एक्स ईयर्स. ओके, बिफोर एक्स ईयर्स क्या कह रहा है कि मेरी एज इतनी थी जितनी की तुम्हारी आज है, कितनी है एक्स ईयर्स. ओके, तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, फादर की एज एक्स ईयर है, बिफोर एक्स ईयर गिवन है, प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट मीन्स की 2x. सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है. ओके, तो कह रहा है कि इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ देन द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, दैट मींस कि प्रेजेंट एज फादर की कितनी इक्वल है 38 के, दैट मींस कि सन की एज कितनी होगी हमारे पास में 19. अब वो कह रहा है कि 5 ईयर्स बैक, दैट मींस कि बिफोर 5 ईयर्स. अगर हम बिफोर 5 ईयर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास में, द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, तो माइनस इसके अंदर से बेटा 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 14 ईयर्स. सो आंसर विल बी 14 ईयर्स. ओके, अब यहीं पे अगर वो कह रहा है कि एज ओल्ड एज, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे एक्स. अगर वो कह देता है यहाँ पे आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते 2x, दैट मीन्स कि 3 गुना हो जाता हो. क्लियर, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी. इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे, फादर सन, सन और फादर की रेशियो आपके पास में ये आ गई, ये गिवन है आपके पास कितना 38, दैट मींस कि ये क्या हो गया आपके पास में 19. ओके, सिंपल. तो 5 इयर्स बैक अगर करेंगे तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, योर आंसर विल बी 14. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ देयर सन वाज 42 ईयर्स. द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर ए चाइल्ड वाज बोर्न टू देम. व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 5 ईयर्स ओल्ड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर्स. देन व्हाट इज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो कह रहे मैरिज के टाइम पे ब्राइड की एज क्या थी. अब सिंपल सा यहाँ पे देखिए एवरेज का कंसेप्ट यूज हो रहा है. अभी रेशियो के कंसेप्ट हमने कर लिए, एवरेज का कंसेप्ट यूज हो रहा है. तो एवरेज के अंदर अगर आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन गिवन है और एवरेज गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल. कैसे करेंगे बेटा, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज. ओके, जैसे यहीं पे क्या कर, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड
वाइफ एंड देयर सन इज 42 ईयर्स. कितने मेंबर्स हैं? तीन मेंबर है. ये क्या है? एवरेज. तो इसको क्या करेंगे हम? तीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड दिस विल बी 126 ईयर्स. अब क्या कह रहे हैं? सन गॉट मैरिज, सन की मैरिज हो गई एंड एग्जैक्टली आफ्टर वन ईयर ए चाइल्ड वॉज बोर्न. दैट मीन्स की एक साल के बाद में चाइल्ड हुआ है. और वो कह रहे हैं कि व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 5 ईयर्स, जब 5 ईयर्स है तो फैमिली की जो अभी एवरेज है वो कितनी होगी? 36 ईयर्स होगी. दैट मीन्स कि कितने साल का डिफरेंस हो गया मैरिज के 5, जो मैरिज है मैरिज के बाद में चाइल्ड कब बोर्न हुआ? आफ्टर वन ईयर. ओके एंड नाउ द चाइल्ड इज ऑफ 5 ईयर्स. दैट मीन्स कि टोटल 6 ईयर्स का डिफरेंस हो गया. दैट मीन्स कि आफ्टर 6 ईयर्स अगर हम देखें यहाँ पे, या आप ये कह सकते हो कि प्रेजेंटली अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कितना हो गया आफ्टर 6 ईयर्स? तो हस्बैंड वाइफ और सन के अंदर 6 ईयर्स सभी में ऐड हो जाएंगे. 6 ईयर बेटा इसके, 6 इसके और 6 इसके. दैट मीन्स कि कितनी एज होगी? 144 ईयर्स. मीन्स अभी ये तीन बंदे कितने एज के हैं? 144 ईयर्स के. और उसने ये कहा है कि पूरी फैमिली की एवरेज, फैमिली के अंदर कौन कौन है? हस्बैंड है, वाइफ है, उनका सन है, सन की ब्राइड है और चाइल्ड है. देयर आर टोटल 5 मेंबर्स और उनकी एवरेज कितनी गिवन है आपके पास में? 36 ईयर्स है. तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कितना हो गया आपके पास में? 180 ईयर्स. क्लियर? अब देखो हस्बैंड वाइफ और सन का कितना है? 144. दैट मीन्स कि इनकी जगह पे, तीनों की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 144. और ये क्या रह गया हमारे पास में? ब्राइड और चाइल्ड कितने साल का है? 5 ईयर्स का. कितना सारे का सारा? 180. दैट मीन्स कि जो ब्राइड है, ब्राइड कितने ईयर्स की होगी? माइनस 149. दैट मीन्स 31 ईयर्स. कब है बट ये? प्रेजेंटली. ओके, प्रेजेंटली ब्राइड की एज कितनी है? 31 ईयर्स. बट व्हाट इज द क्वेश्चन? अब ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे 31 ईयर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, 25 भी दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे बेटा कब की पूछ रहा है वो? एट द टाइम ऑफ मैरिज. अब मैरिज कब हुई थी? बिफोर 6 ईयर्स. दैट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना हो जाएगा? 31 माइनस 6, दैट मीन्स 25 ईयर्स. सो योर आंसर विल बी 25 ईयर्स, नॉट 31 ईयर्स. क्या आएगा? 25 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर. डन? यस. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर इज एज्ड 3 टाइम्स, फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन द सन रोनित. आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स रोनित एज. आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, अब यहाँ पे फर्दर दैट मीन्स कि उसके बाद में 8 ईयर की बात कर रहे हो, ठीक है. हाउ मैनी टाइम्स वुड बी द रोनित एज, रोनित की एज क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कह रहा है कि अगर मैं बात करती हूँ रोनित की एज की, अगर हम कहें कि रोनित की एज कब है, प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स है. प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स है. तो इसने क्या कहा है कि जो फादर है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर देन रोनित एज, इससे 3 टाइम्स ज्यादा है. दैट मीन्स कि कितनी है? 4x. आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी 2.5 टाइम्स रोनित एज. आफ्टर 8 ईयर अगर हम बात करते, आफ्टर 8 ईयर्स की, आफ्टर 8 ईयर ये कितना हो गया आपके पास में? रोनित हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 8 ईयर्स का, और फादर कितने का हो जाएगा? 4x प्लस 8 ईयर्स का. और ये क्या कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी मीन्स फादर वुड बी 2.5 ईयर्स, 2.5 टाइम, 2.5 टाइम दैट मीन्स कि 2.5 गुना हो गया वो उससे, 5/2. ओके, सो दिस विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ रोनित एज. ओके, रोनित केज. अब 8 ईयर्स के बाद रोनित कितने का है? x प्लस 8 का, और फादर कितने का? 4x प्लस 8 का. सॉल्व करिए,
ये हो जाएगा आपके पास 8x + 16 = 5x + 40, दैट मीन्स 3x = 24, x = क्या आ गया आपके पास 8. एंड नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द रोनिट्स एज फर्दर 8, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स. तो आफ्टर फर्दर 8 इयर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, फर्दर 8 इयर्स, दैट मींस कि अगर हम प्रेजेंट से चेक करें दैट मींस कि 16 इयर्स के बाद की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो अभी यहां पे देखिए कि रोनित की एज कितनी हो जाएगी, 8 + 16 कितना हो गया 24 इयर्स, और फादर की कितनी हो जाएगी 4x, दैट मींस कि 24 + 16 दैट मींस कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया बेटा 40 इयर्स. ओके, यहाँ पे देखिए ये एक सेकेंड, 8 × 32 बेटा, 4x है ना फादर की एज, तो कितना हो गया 8 है, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 8, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 32 + 16 दैट मीन्स कि 48 इयर्स. अब बताओ कि फादर कितने टाइम से सन से, हाँ जी फादर कितने टाइम है, फादर बाई सन अगर मैं देखूं तो फादर है 48 इयर्स का, सन है 24 इयर्स का, दैट मीन्स कि 2 times, सो योर आंसर विल बी 2 times. ओके, कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो. देखो कैसे, यहाँ पे कहा है कि अगर मान लो इनकी एज के अंदर ये कह रहा है x, और उसने कहा है कि 3 times more है, दैट मीन्स कि वो हो गया आपके पास में 4x. ओके, अब उसने कहा है कि उससे 2.5 years टाइम हो जाएगा, कब, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 year रोनित विल बी x प्लस 8 years एंड फादर विल बी 4x + 8, तो ये जो वैल्यू है ये से 2.5 गुना हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ गई आपके पास में 8. अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आता है वो कहाँ पे आता है, उसने कहा फर्दर 8 years आफ्टर. ठीक है, तो 8 साल तो बेटा ये हो गए, और उसके बाद 8 साल अगर मैं और कंसिडर करूँ दैट मीन्स देयर इज टोटल 16 ईयर्स डिफरेंस. ओके, तो इसके अंदर अगर हमने दोनों के अंदर क्या ऐड करना है, 16 ऐड करना है. ठीक है, जब 16 ऐड करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रोनित की एज है 24 ईयर्स और फादर की कितनी होगी 48 ईयर्स, दैट मीन्स कि फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ रोनित. ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years द एज विल बी ट्वाइस of the sun, the present age of sun, sun की present age बताइए. अब again वही same ही आपके पास में concept use हो रहा है क्या, before after का, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, a man is 24 years older than his son, that means कि अगर son x year का है, that means कि father कितने years का है, 24 years, यही कह रहा है ना, 24 years older. अगर टाइम्स लिखा होता है, टाइम्स का मीनिंग क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ओल्डर कह रहा है दैट मीन्स कि क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे. इन टू ईयर्स के बाद में क्या हो जाएगा, अगर हम 2 years के बाद की बात करें तो क्या हो गया, ये हो जाएगी बेटा अपने पास x + 2 और ये कितना हो जाएगा x + 26. ओके, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, किसकी एज कह रहा है, फादर की एज, फादर की एज कितनी है x + 26 और ये क्या कह रहा है, ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सन की एज. क्लियर, सॉल्व करिए, दिस विल बी x + 26 एंड दिस विल बी 2x + 4, सो x विल बी व्हाट, दिस विल बी 22 इयर्स, और x हमने क्या कंसीडर किया था, x हमने किया था कंसीडर सन की प्रेजेंट एज, दैट मींस व्हाट, कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है 22 इयर्स, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. डन, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड अर्जुन आर इन रेशियो 5:4 रेस्पेक्टिवली, 3 years हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9, व्हाट इज अर्जुन्स प्रेजेंट एज. हाँ जी देखिए, अभी रेशियो का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कराया था, डायरेक्ट शॉर्टकट से करना बताया,
तो आप सेम मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर समझ आ गया तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स बिटवीन दीज टू रेशियोज, करेक्ट राइट। देखिए क्या है, 2 पर्सन है बेटा, वन इज साहिल एंड द सेकेंड वन इज अर्जुन। अभी रेशियो कितनी है, 5:4 गिवन है आपके पास में, 3 ईयर्स हैंस। रेशियो क्या हो जाएगी, 11:9। ओके, अब इसने क्या कहा, व्हाट इज अर्जुन्स प्रेजेंट एज। अब अर्जुन की एज आपको फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको तरीका बताया, क्या करोगे, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको लेंगे। अर्जुन का फाइंड आउट करना है प्रेजेंट, तो बेटा इसको लेंगे, ठीक है। अभी इसी तरह से अगर साहिल होता तो हम साहिल की वैल्यू लेते, अभी हमने अर्जुन का फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स, कितना डिफरेंस है, 3 ईयर्स का डिफरेंस है। देन वी विल मल्टीप्लाई बाई द डिफरेंस ऑफ द न्यू रेशियो, हेयर द डिफरेंस इज 2, 11 - 9 = 2, डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, दिस विल बी 45 - 44, दैट मीन्स की 1, कितना आ गया आपके पास में, ये हो गया बेटा 24 ईयर्स। सिंपल आ गया आंसर, क्या आ गया, 24 ईयर्स। कोई डाउट, तो इस तरह के हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए और ये इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, इस पे अच्छे से सभी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, हाँ जी, तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस के ऊपर सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स अभी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी पीडीए आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, कंप्लीट कोर्स हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, हाँ जी, 100+ लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जिसके अंदर आपका सिंगल सिंगल कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ओके, दूसरा, हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, एक टेस्ट अटैच है, डन। दूसरा, आप लोगों को टेस्ट के साथ साथ में आपका वेब नोट्स अटैच हैं और लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। ओके, जितने भी लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर के साथ में आप लोगों को एक तो जो क्लास के अंदर पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, साथ में आपको वेब नोट्स अवेलेबल है। उसके अलावा हर एक लेक्चर के साथ में एक माइक्रो टेस्ट लगा हुआ है, सो दैट कि आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर आप खुद प्रैक्टिस कर सको कि हाँ जी, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने लेक्चर में किए हैं उसमें से मुझे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कितने क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीसेट, बिकॉज बाद में तो जीएस की स्टडी के अंदर आप लोग लग जाते हो, बट इसको हम इग्नोर कर देते हैं और हमें ये पता होना चाहिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हम फर्स्ट स्टेप में गिर गए तो हम बाकी के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि बिना सी सेट को क्वालिफाई करे आप बाकी चीज जितना मर्जी प्रिपेयर कर लीजिए बेटा, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने अभी, कि सी सेट के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से देना शुरू करो, क्लियर। हाँ जी, इसके अंदर बेटा 4 क्लासेस हम आपको वीकली प्रोवाइड कर रहे हैं, वीकली 4 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, एंड द क्लास इज ऑफ 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा की हो जाती है आपकी क्लास, 1 to आप ये कह सकते हो 1.5 आवर की क्लास आपकी हो जाती है। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी ट्रायल भी अवेलेबल है इसके अंदर, 3 डेज ट्रायल है, 3 डेज ट्रायल है। जो 3 डेज का ट्रायल है उसके अंदर आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, यू कैन ऐड द, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट जब क्लास होती है, नेक्स्ट जैसे कल क्लास है, तो उसके बाद में आप अगर आपने ट्रायल लिया हुआ है, इन दैट केस यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लास। ओके, ऐड टू ट्रायल क्लासेस कर लेंगे, उसके अंदर आप उसके अंदर लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर आप खुद अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हाँ जी कैसे हमें पढ़ाया जा रहा है, क्या तरीका है। ओके, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।